नहीं सॉरी 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 हमने 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 तो अब सीड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, कैसे हो आप? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉग व्लॉग नहीं शूट कर रहा क्योंकि मैं रांची में कहीं जा ही नहीं रहा हूँ। तो आज रांची में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है, जिसका कि ये टिकट मेरे हाथ में है और बड़ा जुगाड़ करने के बाद ये मिला है। क्या बोल सकते हैं, रांची में पता नहीं क्या हो गया, टिकट्स वगैरह तो मिलता ही नहीं है। बड़ा जुगाड़ करने के बाद फाइनली दो टिकट मिला है और एक मेरे पीछे ये खड़ा है और हम दोनों साथ में चले रांची। कार से नहीं जा रहे हम लोग, जा रहे हैं स्कूटी या बाइक से, उससे भी नहीं जा रहे हम लोग, जा रहे हैं इससे। रांची का ट्रैफिक, अबे स्कूल बस है ना, इसलिए स्कूल का टाइम खत्म हुआ है। अभी इधर से चलना फुटबॉल स्टेडियम होके हम लोग फाइनली मोरावादी में एंटर करते हुए, जो कि रांची का काफी ज्यादा खूबसूरत प्लेस है। यहाँ पे रांची का अच्छा सा चिल आउट एरिया जहाँ शाम में काफी भीड़ होता है और हम लोग भी यहीं शाम में मिलेंगे। तो आगे चलते हैं। क्या लग रहा है ना भाई, अबे यार गाड़ी से नहीं आया, अगर कार ले लेते ना फिर हम लोग तो पहुंचते ही रह जाते हैं। ऊपर से वहाँ पार्किंग का टेंशन अलग और यहाँ जाम का टेंशन अलग, इतना ज्यादा रश है आज के दिन में ना, पता नहीं यार सब लग रहा है ना वहीं जा रहा है। तो फाइनली काफी देर हम लोग चलने के बाद अब फाइनली हम लोग यहाँ रांची स्टेडियम के पार्किंग में पहुंच चुके हैं और ये रहा झंडा जिसको हम लोग लहराते हुए चलते हैं अब स्टेडियम की ओर। अब स्टेडियम में फाइनली हम लोग यहाँ पे बाइक अपना पार्क कर चुके हैं और यहाँ पे देखो टिकट बाइक का 150 रुपये और हेलमेट रखने का प्लस 50-50, दो हेलमेट 100 और गाड़ी ये रहा और हमारा हेलमेट ये रहा। तो फाइनली अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से। इसके पास कोई है नहीं, हम लोग इसी के पास जाके इसके गाल पे तिरंगा बनवाते हैं। चल भाई आजा। भाई कहाँ गया भाई, इसके गाल पे बना देना, इसके गाल पे बना देना। अबे हंस ले, और ये बक्की की खूबसूरती में चार चांद लगते हुए। नहीं भाई नहीं सॉरी 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 हमने 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 तो अब सीड भी फ्लैग बनवाने वाला है, देखते हैं कहाँ तक भागता है ये। और अपना सीड झंडे के कलर में रंग चुका है और पूरी तरीके से क्रिकेट प्रेमी का परिचय देते हुए देख सकते हैं। और ये हमारा तिरंगा बहुत ही गर्व से सिटी के हाथों में लड़ाता हुआ। अंदर चलते हैं स्टेडियम में, भी अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। भाई इतना लंबा लाइन, अबे बक्की लाइन देखना। ओ भाई हिंदुस्तान जिंदाबाद। बक्की अबे लाइन देख, कितना ज्यादा लाइन है, कहाँ तक है। हाँ तू भी लहरा ले। अबे विंग्स ही यही है शायद, अपना यही है लाइन। और ये अब ये वो रिचुअल जो कि हर क्रिकेट प्रेमी करना चाहता है, सीट भी अपना उसी में शामिल होते हुए, लव माय इंडिया का टैग माथे पे और क्राउड देख सकते हैं दोस्त। बाकी यहाँ से क्राउड देख कितना देर है भाई, विराट कोहली अभी अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दो किलोमीटर लाइन में लगने के बाद
पहुंच चुके हैं यहाँ पे विंग सी की ओर। मेरा चेहरा ही नहीं लिया भाई। जब विंग में दिखे ना एमएस धोनी पवेलियन है। एमएस धोनी पवेलियन ये पवेलियन उसी का नाम। हम लोग और अभी अभी टॉस हुआ है इंडिया का और इंडिया टॉस जीत चुका है। इंडिया टॉस जीत गया ना भाई। इंडिया टॉस जीत गया और ये देखो सभी अपने अपने धुन में लगे हुए हैं। झंडा लहरा रहा है। लहरा ले पीछे भी लगेगा भाई देख के अपना ही आदमी है। 143/1 फर्स्ट विकेट ऑफ इंडिया। हाँ बजा ले। सेकंड विकेट एक ही ओवर में हो गया ना। विकेट इन्होंने एक ही ओवर में हो गया। पूरा स्टेडियम में लाइट ही लाइट है भाई। पूरा ब्लास्ट ही जला रहे भाई। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पूरा। कितना खतरनाक लग रहा है भाई वो देख के। एकदम मस्त लग रहा है। और ये फाइनली हम लोग मैच हारते हुए और हम लोग मैच हार गए है ना। हार गए मैच। हम लोग मैच हार के घर जाते हुए। मैच देखने में बहुत मजा आया। मजा आया मैच तो बहुत अच्छा था। हाँ तो मैच देख के मजा आया। फाइनली हम लोग घर चले। बाय बाय।